दोस्तों अभी जो आया हमारे पास KTM 390, इसमें जो है हम लोग अभी प्रोजेक्टर लाइट लगाने वाले हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से इसका कनेक्शन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारा दो प्रोजेक्टर लाइट हो गया और इसका जो है स्विच हो गया कंट्रोलर, तो आप लोग को दिखाते हैं कैसे इसको कनेक्शन करना है। इसमें जो है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइट जलाने के लिए इसमें दिया है, दोनों का कनेक्शन कैसे करना है उसको आप लोग को दिखाते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच का जो है वायरिंग है, यहाँ पर रेड है, एक ब्लैक है और एक येलो है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर लाइट में भी इसी तरह से जो है ब्लैक है, रेड है और येलो है। तो आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से इसका कनेक्शन करना है। सबसे पहले जो दोस्तों हम सबको जो है इन दोनों को मिला देना है साथ, ठीक है, दोनों प्रोजेक्टर लाइट का, सामने आ जाइए थोड़ा सा, दोनों प्रोजेक्टर लाइट का कनेक्शन को, ब्लैक को ब्लैक में, रेड को रेड में, देखिए जाइए जाइए सर, और येलो को येलो में। कनेक्शन कर रखा और यहाँ पर उसके बाद जो है हमारा स्विच का जो है वायरिंग, इसको इस ये जो है पार्ट यही मेन है, समझे ना। सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सबसे मेन जो है दोनों, जब आप बढ़िया से वायरिंग करेंगे, अच्छे से वायरिंग करेंगे, तभी ये दोनों काम करेगा अच्छा से, और वायरिंग अच्छे से नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेड वाला है, ये हमारे प्लस पॉइंट में, इस पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये ब्लैक वाला, ब्लैक वाला जो है वायरिंग ये हम येलो में करेंगे इस तरह से, और ये येलो वाला जो है वायरिंग हम रेड में करेंगे इस तरह से। और ये जो दोनों बचा दोस्तों, ये एक जो है जाएगा हमारे पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से ये लाइट जलता है। बैटरी ले लें कोई भी 12 वोल्ट का, जिससे आप चेक कर सकते हैं, स्विच भी कंट्रोल करके दिखाइए, हाथ के साइड चलो दिखा दें कम करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक बार, और फिर आपको एक बार समझा देते हैं कि स्विच का जो है दोस्तों, कभी कभी जो स्विच होता है उसमें ब्लैक का जगह में व्हाइट आता है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको पीला में कनेक्शन कर देना है लाइट वाला में, और रेड वाला जो है इसको येलो में कनेक्शन कर देना है। और स्विच का जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्विच वाला, यहाँ पर ये स्विच है और स्विच का यहाँ पर ये रेड वाला, रेड वाला कनेक्शन जो है हमारे पॉजिटिव के लिए, इसको छोड़ देना है। और यहाँ पर जो है लाइट का, प्रोजेक्टर लाइट का जो है दोनों आर्थिंग नेगेटिव, ये जो है दोस्तों नेगेटिव के लिए इसको छोड़ दें, इतना हो गया। अब इसको जो है दोस्तों हम लोग आपको बाइक में फिटा के दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो तार हमने यहाँ पर ये ब्लैक वाला छोड़ा था यहाँ पर नेगेटिव के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट है, यहाँ पर इस वाले तुम कुछ इस वाले लाइट के साथ जो है दोस्तों हमने इसका कलेक्शन किया है, दिखाते हैं। यहाँ पे एक वायरिंग देख सकते हैं व्हाइट पे ब्लैक का, इसमें जो है हम लोग को पॉजिटिव वाला प्लस वाला कनेक्शन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लैक में हल्का येलो है जिसमें नेगेटिव वाला कनेक्शन करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह जो है दोस्तों इसका प्रोजेक्टर लाइट का आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी दोस्तों पूरा फिट करके आप लोग को दिखाते हैं इसका किस तरह से ये लाइट वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा लाइट पूरी तरह से फिट होकर तैयार हो चुका है, सीधा कीजिए हैंडल।
इसका जो है कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पर हमने सेट किया है। देखिए पीला यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो है ब्रेक वाला जो है सिलेंडर, इसमें जो है हम लोग इसको टाइट किए हुए हैं।